अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर की गई है हायर की तरफ से। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हायर प्रेजेंट्स पिस्ता नान खटाई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की, क्योंकि वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो आप घर में पिस्ता नान खटाई बनाएं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, घी लिया है हमने 1.5 कप, पाउडर चीनी लिए हमने 1.5 कप, मैदा लिए हमने 1.5 कप, पिस्ते लिए हमने कटे हुए तकरीबन 1/2 कप, बेसन लिए हमने 1/2 कप, सूजी लिए हमने 4 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर लिए हमने 1 टेबलस्पून भर के, इलायची पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून और अंडा लेंगे, मतलब अंडा 1 लेंगे लेकिन सिर्फ उसकी हमने जर्दी लेनी है। तो ये चीज़ें चाहिए हमें नान खटाई बनाने के लिए। तो अब हम रेडी करते हैं। अच्छा हाँ, घी लेंगे, लेकिन घी आप देसी भी ले सकते हैं और नॉर्मल घी जो आम घी होता है, वनस्पति घी, वो भी ले सकते हैं। तो मैंने वनस्पति घी लिया, लेकिन पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था। गर्म करने से ये होता है जो उसकी स्मेल होती है ना कच्चेपन की, वो दूर हो जाती है। गर्म करने के बाद ये देखें इस शक्ल में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे पाउडर चीनी। और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह, ये देखें। ये देखें किस तरह अच्छी शक्ल में आ गया। और अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब हमने क्या करना है, ये ड्राई चीज़ें इसमें डालनी है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, छान के डालें आप। हो गया। और साथ ही हम थोड़ा सा इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इस तरह। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेसन। सर्दियों का मौसम है, बना के आप रख लें इसे 1 महीने के लिए और आराम से इंजॉय करें, ठीक है। बहुत मज़े की बनती हैं ये। वैसे मैंने आपको काफ़ी बार नान खटाई बनाना सिखाई हुई है, चाहे वो बादाम की हो या सिंपल नान खटाई हो, तो पिस्ता भी आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी सर्दियाँ इस वजह से। चलिए ये हो गया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सूजी, सूजी मैंने पहले से छान कर रखी हुई थी, और बेकिंग पाउडर, इसको भी मैंने पहले से छान के रखा हुआ था, और इलायची पाउडर। अब हमने क्या करना है, इनको मिक्स करना है। हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे हम ऐसे। तो ये देखिए इस तरह अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पिस्ते डाल देंगे, और जो बाकी के हैं मैंने ऊपर, जब मैं खटाई रेडी करूंगी ना, ऊपर गार्निश करूंगी। अब ये सारे मिक्स कर लेंगे। चलें भी ये रेडी है। अब हम क्या करते हैं, हम अवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अवन को प्रीहीट कर रही हूँ 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, तो अवन अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा। और साथ ही हम बेकिंग पे लगाते जाएंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली और बटर पेपर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, नान खटाई बना के रखती जाऊँगी इसमें। तो छोटे छोटे से हम बॉल्स लेंगे, ये देखें। तो ये देखें छोटा सा मैंने बॉल बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रखती जाऊँगी, तो ये देखें, और सेंटर में इस तरह से फिंगर करूँगी और इसमें पिस्ता रख दूँगी। ठीक है, इस तरह हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। और ये एहतियात रखना है आपने, साथ साथ नहीं जोड़ने, ठीक है, क्योंकि ये राइज होने हैं, इसमें फूल जाना है। अगर आप बड़े बड़े बना लेंगे, साथ साथ जोड़ देंगे, तो ये फैल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये एहतियात आपने रखना है। ये हो गया एक दूसरा, इतने फासले पे हमने रखना है। थोड़ा प्रेस करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए सारे मैंने बेकिंग ट्रे पे लगा दिए और अवन भी प्री हीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर जर्दी लगा दूंगी। तो चलें ये रेडी है बेक होने के लिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको अवन में रख दूंगी। तो अब हम टाइम सेलेक्ट करेंगे, 180 पे से रखेंगे 20 मिनट के लिए।
हायर का ये बिल्ट इन अवन प्रोफेशनल बेकिंग के लिए बनाया गया है। वैसे भी इसमें बनने वाली हर बेकिंग की डिश बिल्कुल बेकरी जैसी बनती है, ऐसे लगता ही नहीं कि हमने घर में बनाई है, ऐसे लगता है जैसे हम बेकरी से लेके आए हैं। तो ये बहुत बेस्ट है। तो ये देखें, ये बेक हो चुकी है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह करके वाओ, देखिए कितना जबरदस्त कलर आया। तो ये सारा कमाल हायर के बिल्ट इन अवन का है। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, कूलिंग रैक पे रख दूंगी। कूलिंग रैक पे रखते जाएंगे और जो बाकी का बच गया उसको भी मैं बेक कर लूंगी। तो तैयार है हमारी हायर प्रेजेंट्स पिस्ता नान खटाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, आप गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में बना के रख लें आप इसे एक महीने के लिए और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो के मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये हायर प्रेजेंट्स पिस्ता नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।